हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज आपको सिखाएंगे सीवी फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार के न्यू एडिटिंग है। हेयर स्टाइल एंड हेयर स्टाइल में कट कैसे लगाना है वो सब आपको बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपको ऑल पे प्रेस कर देना है। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपना नॉर्मल सा फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है। सबसे पहले हम अपने फेस को गोरा करेंगे। फेस को गोरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से चले जाना है टूल वाले ऑप्शन में। अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है एंड यहाँ से आपको सैचुरेशन को भी माइनस कर लेना है हल्का। एंड यहाँ से आपको हाईलाइट मिल जाएगा, इसको आपको इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा बढ़ा लेना है। अब आपको इरेज पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको इन्वर्ट मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फोटो को यहाँ से आपको जूम करना है और अच्छे तरीके से अपने फेस पे आपको ब्रश को चला देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो गोरा हो रहा है, अच्छे तरीके से साफ हो रहा है। फोटो साफ करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन पिक्सआर्ट है। और भी एप्लीकेशन है, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा, आप चेक जरूर कर लेना है। यहाँ से हमने फोटो को साफ कर लिया है, सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम करेंगे कपड़ों का कलर चेंज। यहाँ से ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। आप यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड कर लेना, आपको ग्रीन कलर का ऐड कर लेना है, सबसे बेस्ट यही है। उसके बाद आपको बता दूंगा कौन सा कलर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर हमने कर दिया, साइज को फुल कर देंगे। यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन पे जाके यहाँ से मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर देना है। अब आपको इरेज पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने फोटो को जूम करना है और अच्छे तरीके से अपने कपड़ों के ऊपर आपको ब्रश को चला देना है। अगर आपके बैकग्राउंड पे ये कलर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फेस पे मत लाना इस कलर को। बैकग्राउंड वगैरह में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने कपड़े पे कलर को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। सारी पीएनजीज आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, यू पे क्लिक करना है एंड जिस कलर में आपको रखना है अपने कपड़ों को उस कलर में आप रख सकते हो। मैं रखूँगा ब्लू में और यहाँ से कर लेंगे इसको डन। फोटो को पूरा आपको डन कर लेना, पहले ही आपको बता देता हूँ। अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, जो भी आपका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। साइज को आपको यहाँ फुल कर देना है, जैसे कि मैंने साइज को फुल रख दिया है। अब आपको इरेज पे क्लिक कर देना है, नीचे आपको इन्वर्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। हार्डनेस 100, साइज को अपने हिसाब से आपको चेक कर लेना है। और अब आपको फोटो को जूम करना है और अच्छे तरीके से अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे हमारे वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए, इसलिए वीडियो को थोड़ा। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ये सब बैकग्राउंड आपको अनलिमिटेड, अगर सीबी बैकग्राउंड चाहिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ हम पहले सबसे पहले बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से कर दिया बैकग्राउंड को चेंज। अब आपको यहाँ से राइट पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको यू पे क्लिक करना है। जिस कलर के अंदर आपको बैकग्राउंड को अपने रखना है वो कलर आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखूँगा ब्लू कलर का थोड़ा बैक, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप कोई से भी कलर में आप यहाँ रख सकते हो, मैं ब्लू में रख दूंगा। अब यहाँ से इसको कर देंगे डन, बिफोर एंड आफ्टर आप फोटो आप देख सकते हो पहले से कितना अच्छा यहाँ पर हो गया। रीटच पे क्लिक करेंगे, मेकअप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लिपस्टिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड अमाउंट को 100 रख के डन कर लेंगे। ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कोई सा भी एक कलर का बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है। आपको अपने चश्मे का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम ब्लू रखेंगे एंड यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन पे जाके मल्टीप्लाई सेलेक्ट करके इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ से कर लेना है इसको इन्वर्ट, हार्डनेस 100, साइज को अपने हिसाब से चेक कर लेना है और अच्छे तरीके से अपने बैकग्राउंड अपने चश्मों के ऊपर आपको ब्रश को यहाँ पर चला देना है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। अगर आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है, अपडेट वगैरह मांग रहा है तो अपडेट कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो एक काम करना, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से कर लेंगे डन, हमारा देख सकते हो। ऑब्जेक्ट पे एक बार जाएंगे, यू पे जाएंगे, अगर आपको और कोई सा कलर रखना है तो आप यहाँ से कोई से भी चश्मे का कलर रख सकते हो, मैं ब्लू कलर के अंदर ही रखूँगा इसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है इसको डन। तो
तो हमारा फोटो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। हेयर को एडिट करना, हेयर कट कैसे लगाना है सब आपको बताऊंगा। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फोटो को सेव करेंगे। सेव करने बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इसको ऑटो स्केच बुक के अंदर शेयर कर देना है। एप्लीकेशन नहीं है ऑटो स्केच बुक, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने कर लिया फोटो को ऐड। अगर आपका कुछ ऐसे फोटो हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है एंड एक मिनट यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट फॉर्म फाइल्स पे क्लिक करके डिस्कार्ड कर देना है इसे एंड जैसे डिस्कार्ड करोगे फाइल मैनेजर ओपन होएगा। गैलरी पे क्लिक करना है, अपना जो फोटो सेव करा था अभी वही ऐड कर लेना, आपको आपका यहाँ पर फोटो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ऊपर पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको ये वाली ब्रश सेलेक्ट करनी है, हेयर की है ये। ऊपर सेटिंग है, सेटिंग पे जाएंगे, साइज फ्लो स्ट्रेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अरसमज को सेलेक्ट कर लेना है इसको। बस इतना ही आपको करना है और अब आपको फोटो को जूम करना है और अच्छे तरीके से अपने हेयर पे आपको ब्रश को चला देना है, नीचे से लेके आपको ऊपर की तरफ ब्रश को ले जाना है। जैसे ही आप ये करोगे आपका फोटो बिल्कुल जो हेयर है अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो यहाँ से हम परफेक्ट तरीके से कर लेंगे वीडियो को, जो भाई पूरा देखेगा अच्छे तरीके से एडिटिंग सीख जाएगा। इसके अंदर मैंने बिल्कुल फुल ट्यूटोरियल अच्छे तरीके से आपको बताया है, फोटो को साफ लेने से, फोटो को साफ करना, गोरा करना, हेयर स्टाइल और हेयर कट कैसे लगाना है सब इस वीडियो के अंदर है। अब आपको बता देते हैं हेयर कट कैसे लगाना है। फोटो को जूम करेंगे, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ऊपर यहाँ से जाएंगे, पेंसिल आइकन सेलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो, यहाँ से अपना स्किन कलर सेलेक्ट करेंगे। ऊपर ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये गाइड्स वाली एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो, और यहाँ पर इसको अपने हेयर पे लगा देना है। तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे और लगाने के बाद आपको यहाँ से जैसे ही आप ब्रश यहाँ से चलाओगे आपको कोई ब्रश सेलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट बस इस लाइन को लगाना है और डायरेक्ट आपको यहाँ पर ब्रश को ऐसे ही चला देना है स्क्रीन पर। आप जैसे ही करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कट लगने लगा है। तो ऐसे करके आप अपने फोटो में अच्छे तरीके से कट लगा सकते हो। मैं यहां पर इसको नीचे की तरफ भी ले जाऊंगा और नीचे की तरफ भी यहां पे भी कट लगा दूंगा। तो यहां पर इसको परफेक्ट तरीके से आपको कर लेना है, देख सकते हो। अगर आपको जैसा भी कट लगाना वैसे ही आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से लगाने के बाद फोटो को सेव करना भी आपको बता देता हूं HD में सेव कैसे होता है। ऊपर आपको एक थ्री लाइन मिल जाएगा जहां से डिस्कार्ड करा हमने, उसी थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देख सकते हो शेयर एंड एक्सपोर्ट टू फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से PNG सेलेक्ट कर देंगे। बस आपका फोटो सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।